हेलो फूडीज, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ वेज टॉर्टिला की रेसिपी, जो कि बनेगी घर में बची हुई रोटी से, यानी कि लेफ्ट ओवर रोटी से टॉर्टिला बनाने की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए चलिए पहले इंट्रो देख लीजिए। टॉर्टिला के रैप्स अलग से बनाए जाते हैं, बट ये हेल्दी फॉर्म है बिकॉज ये गेहूं के आटे से बनेगा, ना कि मैदे से। तो इसके लिए हमें चाहिए बनी हुई रोटी जो ठंडी हो बिल्कुल। एंड ये मैंने एक चम्मच मेयोनीज और एक चम्मच टोमेटो सॉस को मिक्स करके एक सॉस बना लिया है। देन हमें चाहिए ग्रीन चटनी, और ये है चीज़ जो मैंने ग्रेट कर लिया, और ये आलू की सब्ज़ी, और साथ ही साथ टोमेटो के स्लाइसेस। वेजिटेबल्स आप अपने टेस्ट, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ली है रोटी, और रोटी को मैं नीचे से एक कट लगा दूंगी। लगभग उसके हाफ पार्ट को मैं एक कट लगा दूंगी। एंड अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और इजी फॉर्म है, बहुत यम्मी फॉर्म। तो अगर आपके बच्चे सब्जी नहीं खाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उनको रोटी सब्जी खिला सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कॉर्नर में लगाई है ग्रीन चटनी, एंड ये बहुत ही हेल्दी फॉर्म है, बहुत टेस्टी बनती है ये रेसिपी मेरी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। एंड कोई भी सब्जी, आपकी सूखी सब्जी जो अगर बच जाए या बनाई हो आपने, तो आप उसको इस तरीके से बना के लंच बॉक्स में भी अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो ये मैंने अब उसमें डाल दी है आलू की सब्जी, मैंने सूखी सब्जी आलू की ली है। आप कोई भी अपने पसंद की सूखी सब्जी ऐड कर सकते हैं। एंड देन मैंने थर्ड पोर्शन में लगाया है वेज मेयोनीज और टोमेटो सॉस को मिक्स करके एक सॉस मैंने बनाया है वो। एंड देन इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़, मैंने ग्रेटेड चीज़ लिया। आप कोई भी चीज़ का कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, बट चीज़ डालना ज़रूरी है, जिससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और साथ ही साथ हमारे टॉर्टिला को जब मैं रैप करूँगी तो उसे एक बाइंडिंग मिलेगी, जिससे कि हमारा टॉर्टिला खाते टाइम ओपन नहीं होगा। एंड यस, ग्रीन वेजिटेबल्स आप अपने जो भी आपको पसंद है, टमाटर के साथ साथ आप चाहें तो कैबेज भी आप इसमें डाल सकते हैं। एंड ये देखिए मैंने एक एक करके कैसे इसे रैप किया है। आप रैप करने का प्रोसेस चाहें तो पॉज और रिवाइंड करके देख सकते हैं। एंड ये हमारा रैप बन चुका है। तो आइए चलिए, अब मैंने तवा को गर्म किया है, तवे पे मैंने लगाया है बटर। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। यकीन मानिए, इस तरीके से अगर अपने बच्चे को रोटी सब्जी सर्व करेंगे तो वो बहुत ही टेस्ट के साथ खाने वाले हैं इसे। एंड यस, लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट आइडिया है। एंड जब आप इसे तवे पे रखें तो जिस पार्ट पे आपने चीज़ डाला था, आप उसे नीचे की तरफ रखें, सो दैट जो आपका टॉर्टिला है वो चीज़ मेल्ट होते ही अच्छे से पैक हो जाए, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। और यस, तवे पे रखने के बाद आप इसे लो फ्लेम पे कवर कर दें थोड़ी देर, सो दैट आपकी चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। एंड पलट करके आप उसे सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी थोड़ी देर के लिए सेक लें। लगभग 1 से 2 मिनट में ये दोनों तरफ सिक जाता है, टाइम नहीं लगता है। विद इन 5 मिनट ये रेसिपी आपकी रेडी हो जाएगी। रात की बची हुई रोटी को भी आप इसमें यूज़ करके एक यम्मी सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो शाम में भी अपने बच्चों को अगर आप अच्छा हेल्दी स्नैक्स देना चाहते हैं तो इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड आप अगर नॉनवेज लवर हैं तो आप इसमें ऑमलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो टॉर्टिला की कोई डिफाइंड रेसिपी नहीं होती, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें स्टफिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए टॉर्टिला हमारा बनकर रेडी हो गया है, मैं आपको क्लोजअप से दिखा देती हूँ। तो इसमें एक लेयर में चटनी है, ग्रीन चटनी है, एक लेयर में मेयोनीज एंड सॉस है, एक में चीज़ है, एंड एक में वेजिटेबल है हमारा। एंड यस, आप सैलड ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और भी हेल्दी से बनाने के लिए। तो अब टॉर्टिला को मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कि ये कैसा दिख रहा है अंदर से। एंड यकीन मानिए बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ईजी है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड इसका रिव्यू भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए ये कितना यम्मी दिख रहा है, एंड साथ ही साथ हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और क्विक एंड ईजी तो ये है ही। तो आई होप आज की रेसिपी ये आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यस चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड बहुत सारी यम्मी हेल्दी एंड ईजी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेगी।
जिसे जाकर एक बार ज़रूर चेकआउट करें। एंड हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।